हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल बनासी। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ सीआरपीसी में कराने वाला हूं, मैं सेक्शन 41 से कराऊंगा, जो कि आपका अरेस्ट ऑफ पर्संस का टॉपिक है कि कब कब एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट का आपको अरेस्ट कर सकता है, वो क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलरली मेरे चैनल के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैंने अपने चैनल के सारे प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके दे रखी है, तो लिंक आपको बस क्लिक करना है, वहां से मेरे चैनल की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, स्पेसिफिकली लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज, जो कि आपके एलएलबी के नेट के ईपीएफओ यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। 60+ वीडियोस मेरी अवेलेबल है, 12 से ज्यादा कानूनों को मैंने इंटायरली कवर करा रखा है, विद केस लॉज कवर करा रखा है। तो आपको बस करना है कि वो कंटेंट जाके देखिए मेरे प्लेलिस्ट में, प्लीज मेरी प्लेलिस्ट को एक बार देखिए जरूर, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे विद इन वन वीक मैं आपके साथ एक नया कंटेंट लेने के आने वाला हूँ, जो बहुत ही यूनिक और क्रिएटिव कंटेंट है, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप प्लीज मुझे अपने मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे भी फॉलो करिए, नाम है एजुकेशन पनासिया ही, जो कि मेरे चैनल का अभी नाम है। तो आज हम जो काम शुरू करने वाले हैं वो सेक्शन 41 के ऊपर है, तो देखते हैं सेक्शन 41 क्या कहता है। सेक्शन 41 डिस्कस करता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट होता है कि वो आपको बिना वारंट भी अरेस्ट कर सकता है। अगर आपने मेरी अगर आपको नहीं पता कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, तो आप मेरी पहली सीआरपीसी सीरीज की या पहली वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस डायरेक्टली वही चीज होती है कि जहां पे पुलिस ऑफिसर को वारंट की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट भी एक किसी ऑफेंडर को, किसी एक्यूज को अरेस्ट कर सकता है। अब सवाल आता है वारंट इशू कौन करता है, तो साहब वारंट जो इशू होता है वो आपका मजिस्ट्रेट करता है, लेकिन कॉग्निजेबल केसेस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पे केसेस देखते हैं जहां पे एक पुलिस ऑफिसर किसी को बिना वारंट भी अरेस्ट कर सकता है, उसको मजिस्ट्रेट से वारंट लाने की जरूरत नहीं है। पहला केस, एनी पर्सन कमिट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एनी पर्सन कमिट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। मतलब कि एक पुलिस ऑफिसर मान लीजिए अपनी ड्यूटी से वापस जा रहा है, ठीक है, और सामने उसने देखा कि दो लोग खड़े हैं, उसमें से एक इंसान ने दूसरे को निकाल के चाकू मार दिया, और उस केस में क्या पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के वारंट का इंतजार करेगा, या फिर पुलिस ऑफिसर सीधा उस इंसान को, उस अक्यूज को अरेस्ट करेगा? द आंसर इज कि उसको सीधा अरेस्ट करेगा, उसको वारंट की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 41 क्लियरली ये चीज कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर की नजरों के सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई पर्सन को एक्यूज कमिट करता है, तो पुलिस ऑफिसर हैज द राइट टू अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट द वारंट, उसको मजिस्ट्रेट से वारंट उस टाइम के लिए लाने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक बार जब अरेस्ट कर दिया, तो मैं आपको बताऊंगा जब मैं सेक्शन 57 पढ़ाऊंगा सीआरपीसी का, कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है विद इन 24 आवर्स। कितने घंटे के अंदर? विद इन 24 आवर्स। पुलिस ऑफिसर की यह भी एक ड्यूटी है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है, तो उसको विद इन 24 आवर अरेस्ट किया जाता है, और सब्जेक्ट टू सेक्शन 167 उसका जो पीरियड है पुलिस कस्टडी का, उसको बढ़ाया भी जा सकता है, 15 दिन के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है, मगर वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगला, अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट, अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड और अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, और अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, और अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव। क्रेडिबल का मतलब कि जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, जिस इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू हो, कोई ऑथेंटिसिटी हो, या फिर एक रीजनेबल कंप्लेंट करी गई है, एक फेक कंप्लेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रिवोलस और फेक कंप्लेंट जो जानबूझ के किसी को डिफेंड करने के लिए करी गई हो। तो एक रीजनेबल कंप्लेंट या फिर एक कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है, जो कि जिसकी पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर्स से लेस है, वो 7 ईयर्स से लेस है, या फिर अप टू 7 ईयर्स। मतलब कि अगर पुलिस ऑफिसर को, अभी यहां पे जो सेकंड वाला केस है, यहां पे पुलिस ऑफिसर के सामने कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ,
मगर पुलिस ऑफिसर को एक इंफॉर्मेशन आई, एक कंप्लेंट आई लोगों की तरफ से कि साहब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस इस नेचर का है कि इंडियन पीनल कोड में उसमें 7 साल तक की सजा मिलती है, उसमें 7 साल तक की सजा है। तो उस केस के अंदर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, मगर पुलिस ऑफिसर को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। मैंने क्या बोला, पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है मगर पुलिस ऑफिसर को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। पहला, पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, हैज रीजन टू बिलीव That the offence was committed. That the offence was committed. अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग जान लीजिए कि यहां पे ना पुलिस ऑफिसर को एक किस्म से डिस्क्रिशन दी हुई है कि ये पुलिस ऑफिसर रीजनेबिलिटी क्या होती है वो फैक्ट टू फैक्ट सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस देखा जाता है कि किस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या रीजनेबल है क्या रीजनेबल नहीं है। रीजनेबल का जो एक पैरामीटर है, एक मापदंड है जिससे हम रीजनेबल को नापते हैं कि रीजनेबल कोई चीज है या नहीं, वो ये है कि ऑर्डिनरी मैन या फिर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मैन किसी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा और आपने कैसे रिएक्ट करा। हम इस चीज का कंपैरिजन ले डाउन करते हैं, उसी से हम ये पता करते हैं कि वो एक्शन रीजनेबल था वो एक्शन रीजनेबल नहीं था, ये चीज हम उसी हिसाब से बाइफर्केट कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम बात हो रही है कि कंडीशन क्या, पुलिस ऑफिसर को जब वो इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस ऑफिसर हैज द रीजन टू बिलीव, कि पुलिस ऑफिसर ने के पास कोई प्रॉपर ग्राउंड था, पुलिस ऑफिसर के पास कोई प्रॉपर ग्राउंड था जिससे उसको ये विश्वास हुआ कि हाँ अरेस्ट मतलब ऑफेंस कहीं कमिट हुआ है तो अरेस्ट करने जाना पड़ेगा। हो सकता है कि कल को वो ग्राउंड सच ना निकले, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर कोर्ट में प्रूव कर देता है कि साहब मेरे पास एक रीजनेबल ग्राउंड था तो उस केस में पुलिस ऑफिसर पे किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगली बात, अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है, अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है इफ पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट अरेस्ट इज नेसेसरी, दैट अरेस्ट Arrest is necessary for what? Arrest is necessary for pehla prevent further offense. कि उस बंदे को अरेस्ट करना इसलिए जरूरी है कि कल को अब वो दूसरा कोई क्राइम ना कर दे। मतलब मान लीजिए आज के टाइम में उसने रॉबरी कर ली, कल को पता चले फिर से कहीं रॉबरी करने पहुंच गया, फिर से कहीं डकैती करने पहुंच गया, फिर से कहीं थेफ्ट कमिट करने पहुंच गया, फिर से कहीं आपका क्रिमिनल बिल्स अप्रोप्रिएशन करने पहुंच गया, मिसचीफ कमिट करने पहुंच गया, तो उस केस में उसको रोकना जरूरी है कि फर्दर वो कोई ऑफेंस कमिट ना करे तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है उसको विदाउट वारंट। दूसरा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी अरेस्ट किया जाता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी अरेस्ट किया जाता है कि पुलिस ऑफिसर को उस एक्यूज की रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, प्रॉपर आपको नेसेसरी जो एविडेंस है वो आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये फायदा है। तीसरा, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम टैम्परिंग एविडेंस, अगर वो इंसान खुला घूमेगा ऑफेंस कमिट करने के बाद तो बहुत ज्यादा प्रोबेबल चांस है कि वो सारे सबूत मिटा देगा। तो टेम्परिंग का मतलब होता है सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना, तो अगर वो फर्दर उस एविडेंस को ना मिटाए, फर्दर एविडेंस को खराब ना करे, फर्दर किसी किस्म का ऐसा चीज ना करे कि कल को ट्रायल में प्रोसिक्यूशन के पास तो एविडेंस ही नहीं रहे प्रूव करने के लिए, तो इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए पुलिस ऑफिसर कैन टेक द एक्शन एंड पुलिस ऑफिसर विल नॉट वेट फॉर द वारंट, ही विल डायरेक्टली गो एंड अरेस्ट द अक्यूज्ड, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर के पास एक रीजनेबल सेटिस्फैक्शन के ग्राउंड है। पुलिस ऑफिसर को अगर एक रीजनेबल कंप्लेंट आती है, मान लीजिए कोई फ्रिवोलस कोई फेक कंप्लेंट नहीं है और पुलिस ऑफिसर हैज टेकन द एक्शन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजनेबल कंप्लेंट, तो इफ द पुलिस ऑफिसर इज रीजनेबली सेटिस्फाइड अबाउट दिस फैक्ट दैट द पर्सन मस्ट बी अरेस्टेड सो दैट ही शुड नॉट कमिट द फर्दर ऑफेंस, सो दैट द इन्वेस्टिगेशन शुड रन इन अ प्रॉपर मैनर, सो दैट दैट पर्सन मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम टैम्परिंग और हैम्परिंग एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंस, उस केस में पुलिस ऑफिसर विल डायरेक्टली गो एंड विल नॉट वेट फॉर द वारंट एंड डायरेक्टली अरेस्ट दैट पर्सन, दैट इज द लॉ ओवर हियर। अगला, टू प्रिवेंट फ्रॉम मेकिंग इंड्यूसमेंट और थ्रेट, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इंड्यूसमेंट मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना, थ्रेट मतलब होता है किसी को धमकी देना।
मान लीजिए एक इंसान ने दूसरे इंसान को चाकू मारा और सामने एक बाई स्टैंडर्ड खड़ा था सड़क पे, और उसको जाके उसका उसके बारे में, उस बाई स्टैंडर्ड के बारे में जो सड़क के किनारे खड़ा था उसके बारे में मुझे पता था। अब मैंने क्या किया, उसको जाके धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर तूने पुलिस को कुछ बताया, अगर तूने पुलिस को एविडेंस दिया तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरीके की धमकी देना मैंने उसको शुरू कर दिया। तो अगर पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड कि अगर मैं इस बंदे को अरेस्ट करता हूं तो शायद अब ये कोई इंड्यूसमेंट, कोई थ्रेट नहीं देगा, कि उस बंदे को नहीं देगा जो कि उस फैक्ट से, जो मैटर हुआ है, जो क्राइम हुआ है उससे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में कुछ जानता है। क्योंकि कल को मान लो उसको गवाह के रूप में मुझे रखूंगा, सड़क के किनारे को व्यक्ति खड़ा था और जिसने उस ऑफेंस को कमिट होते देखा, जिसने उस मर्डर को कमिट होते देखा, तो कल को उस व्यक्ति को मैं एज अ विटनेस भी प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है ट्रायल के अंदर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले एक्यूज को पकड़ो ताकि एक्यूज फर्दर उस इंसान को धमका ना सके, ताकि एक्यूज फर्दर उस इंसान को डरा ना सके। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है कि अगर हमने उसे अभी नहीं पकड़ा साहब, हम उसे कोर्ट में पेश ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो भाग जाएगा। तो इसीलिए फटाफट पकड़ो, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर लेगा। कि पुलिस ऑफिसर की भी तो जिम्मेदारी है कि कल को कोई क्राइम होता है तो ऑफेंडर को ढूंढे, अक्यूज को ढूंढे, और अगर अक्यूज मिलता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करे, केस बनाए, चार्जशीट बनाए, पुलिस रिपोर्ट फाइल करे, फिर ट्रायल शुरू होगा, पूरा प्रोसेस होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर। तो उसके लिए ये जरूरी है ना कि एक्यूज की प्रेजेंस को सिक्योर किया जाए, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने अगर एक्यूज जाएगा तो अगर एक्यूज होगा अरेस्टेड तभी तो एक्यूज को पेश किया जाएगा। तो इसीलिए भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है विदाउट वारंट के। अब सवाल आता है कि जब पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया और जो भी ग्राउंड उसने यूज किया तो वो अपने रीजन को राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन को राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा। और फर्ज करिए कि पुलिस ऑफिसर ने नहीं अरेस्ट किया उस बंदे को, पुलिस ऑफिसर ने फिर भी अरेस्ट नहीं किया, पुलिस ऑफिसर को खबर लगी, तो उस केस में भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करने के रीजन को राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा। मतलब कि अगर मान लो मैं किसी ग्राउंड का इस्तेमाल करके किसी अक्यूज को पकड़ने गया, उसको अरेस्ट कर लिया बिना वारंट के, तो उसका भी मेरे को ग्राउंड मेंशन करना पड़ेगा राइटिंग में। कल को मेरे सुपीरियर में वो मेरे से पूछेंगे, कल को मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के दौरान मुझे ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और फर्ज करो मैंने उसको अरेस्ट नहीं किया उस एक्यूज को, तो उस केस के अंदर भी मुझे एज अ पुलिस ऑफिसर रीजन को राइटिंग में रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। बिकॉज एज अ पुलिस ऑफिसर मेरी ड्यूटी है कि मैं जो भी एक्शन लेता हूं, चाहे मेरा रीजनेबल सेटिस्फेक्शन था, मगर वो चीज ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए, वो चीज ऑन पेपर होनी चाहिए। ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट थोड़ा लेंदी था, अब छोटे छोटे पॉइंट हैं आपके। डी ए, अगेंस्ट हुम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड that he has committed a cognizable offense, जो कि 7 years और मोर से ज्यादा पनिशेबल है, या फिर उसमें डेथ भी हो रही है, डेथ सेंटेंस भी है। मतलब कि हीनस क्राइम के बारे में बात कर रहा हूं। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया, अब वो जो मर्डर वाला एग्जाम्पल अभी मैं आपको दे रहा था वो डायरेक्टली इस वाले पॉइंट के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा। ऊपर वाले पॉइंट में तो वो सारे ऑफेंसेस कवर हो गए जिसमें 7 साल तक की पनिशमेंट है। मतलब ऐसा ऑफेंस एक्यूज ने किया जिसमें 7 साल तक की पनिशमेंट थी या 7 साल से कम की थी। मगर अब जो मैंने बीए पॉइंट आपको 41 का मेंशन किया है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को रिसीव हुई वो ये हुई है कि साहब एक ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है जहां पे डेथ सेंटेंस तक मिल सकता है। डेथ सेंटेंस कहां का मिलता है आपको? मर्डर के केस में मिल सकता है डेथ सेंटेंस। और 7 साल से ज्यादा बहुत सारे ऑफेंसेस में है, जैसे डकैती ले लीजिए, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग ले लीजिए, जैसे आप रेप ले लीजिए, जैसे आप किडनैपिंग ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस है जहां पे 7 साल से ज्यादा की सजा है। तो स्पेसिफिकली उसके रिगार्डिंग जो पॉइंट है, उसके रिगार्डिंग उस पॉइंट पे पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब इस वाले पॉइंट में और पिछले वाले पॉइंट में, जैसे 7 साल से नीचे था, तो 7 साल से नीचे वाले में तो काफी सारी कंडीशन मैंने ले डाउन कर दी अरेस्ट की, लेकिन 7 साल से ऊपर वाले में कोई भी ज्यादा कंडीशन नहीं है। सीधा पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि ऑफेंस कमिट हुआ है किसी व्यक्ति के द्वारा।
that the offense was committed by the person, पुलिस ऑफिसर के पास ये रीजन टू बिलीव है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर सीधा जाएगा और अरेस्ट कर लेगा उस बंदे को बिना वारंट के, बिकॉज ये जो ऑफेंसेस है ये ज्यादा ग्रेवर नेचर के, इसलिए यहाँ पे ज्यादा कंडीशंस नहीं है। लेकिन हाँ, आपने एक चीज गौर करी सेक्शन 41 के अंदर कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर का जो डिस्क्रिशन है, उसकी चॉइस है, उसका रीजन टू बिलीव है, उसकी सेटिस्फेक्शन है, वो बहुत मैटर करती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन टू सिचुएशन एक पुलिस ऑफिसर का रीजन टू बिलीव दूसरे पुलिस ऑफिसर से डिफर कर जाए, क्योंकि जब किसी चीज की रीजनेबिलिटी चेक करी जाती है कि कोई चीज रीजनेबल है या नहीं, तो ये इंडिविजुअल ओपिनियन वेरी कर सकता है, इंडिविजुअल ओपिनियन जो है आपका डिफर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर कोई है, अगर कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रोसीडिंग कहां होती है, सेक्शन 82 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार समन नहीं रिसीव कर रहा है, भागा हुआ भगौड़ा है, और उस केस के अंदर उसको 30 एक नोटिस दिया जाता है, उसको 30 दिन का वक्त दिया जाता है कि साहब 30 दिन के अंदर कोर्ट में आप अपीयर हो जाइए, और अगर आप कोर्ट में अपीयर नहीं होते तो आपको पीओ डिक्लेयर कर दिया जाता है। आपको पीओ डिक्लेयर करने के बाद एक जो नोटिस है पीओ का, वो बाहर कोर्ट के उस कोर्ट रूम के बाहर भी लग जाता है कि साहब ये बंदा पीओ डिक्लेयर हो गया, और कल को उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच कर दिया जाता है, जिसके अंदर आपकी सेक्शन 83 की प्रोसीडिंग होती है, ध्यान रखना। तो अगर कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और वो मिल जाता है गलती से, तो पुलिस ऑफिसर विल नॉट वेट फॉर द वारंट टू अरेस्ट दैट पर्सन, पुलिस ऑफिसर विल डायरेक्टली अरेस्ट दैट पर्सन। नाउ पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, आपको इंफॉर्मेशन, पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिली, एक व्यक्ति मिला, उसके पास से कुछ सामान मिला जो कि चोरी का सामान है, और पुलिस ऑफिसर के पास रीजन है कि ये इस चोरी में इन्वॉल्व होगा, तो पुलिस ऑफिसर विल नॉट वेट फॉर द वारंट, विल डायरेक्टली अरेस्ट द पर्सन। अगला पॉइंट, ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, इसके लिए तो इवन आपके इंडियन पीनल कोड में भी मेंशन है सजा, कि अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पुलिस ऑफिसर एक पब्लिक सर्वेंट है, तो उस केस में आपके ऊपर एक सेपरेट ऑफेंस बन जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को उसका काम करने से रोक रहा है, पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी एग्जीक्यूट करने से रोक रहा है, या फिर पुलिस कोशिश कर रहा है कि पुलिस ऑफिसर की कस्टडी से भागने का, एस्केप मारने का पुलिस ऑफिसर की कस्टडी से, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर के पास राइट है कि ही विल नॉट वेट फॉर द वारंट एंड विल डायरेक्टली अरेस्ट द पर्सन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डेजर्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्म फोर्सेस से भाग आया है, जिसके ऊपर वहां पे ऑफेंस रन करना है, और पुलिस ऑफिसर को वो व्यक्ति मिल जाता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको बिना वारंट का भी अरेस्ट कर सकता है। आर्म फोर्सेस कौन कौन सी आपकी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, याद रखना। अगला, reasonable complaint received या फिर credible information received किस regarding, किसी act के regarding जो कि out of India commit किया गया है, और अगर इंडिया में कमिट किया जाता तो वो ऑफेंस होता, तो उस व्यक्ति को भी आप अरेस्ट कर सकते हो अंडर द एक्स्ट्राडिशन लॉज। आपके जिन देशों के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है आप उनको मंगा सकते हो। अगर आपको अभी ध्यान हो तो विजय माल्या हैज लॉस्ट द अपील इन यूके's कोर्ट, और विजय माल्या को इंडिया लाया जाएगा, तो वही चीज कही जा रही है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति, वैसे तो विजय माल्या यहां से ऑफेंस कमिट करके भागा है, लेकिन अगर वो व्यक्ति बाहर भी ऑफेंस कमिट करता है और वो उस ऑफेंस के लिए इंडिया में अगर होता तो इंडिया में वो लायबल होता, तो उस केस में अगर एक्स्ट्राडिशन लॉज हैं उस देश के साथ, हमारे एक्स्ट्राडिशन के एग्रीमेंट्स हैं हमारे उस देश के साथ, तो उस केस में हम उस व्यक्ति को इंडिया में ला के कस्टडी में रख सकते हैं, ये हमारे पास राइट है। अगली चीज,
अगर एक रिलीज्ड कन्विक्ट है, एक रिलीज्ड कन्विक्ट है और वो ब्रीच ऑफ रूल कर देता है, ब्रीच ऑफ रूल कर देता है सेक्शन 356 का, क्या कर देता है, ब्रीच ऑफ रूल कर देता है सेक्शन 356 का, तो उस केस में भी पुलिस ऑफिसर उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगा, ये पुलिस ऑफिसर के पास राइट है। अब ये क्या होते हैं, तो ये आपके होते हैं प्रीवियस, जो प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर है उनके एड्रेस नोटिफाई करने पड़ते हैं, कि उनके बारे में बताना पड़ता है कि वो कहाँ रहते हैं। तो उस केस में अगर जो शर्तें 356 के अंदर, सेक्शन 356 जब मैं आऊंगा मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, जो शर्तें आपकी 356 के अंदर मेंशन है, अगर उसमें से किसी भी शर्त का ब्रीच करता है, जो सेक्शन 5 में, सबसेक्शन 5 में आपकी स्पेसिफिकली मेंशन है, तो उस केस के अंदर वो चीज पुलिस ऑफिसर उसको बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब वो क्या है, तो जो प्रीवियस ऑफेंडर्स होते हैं आपके सेक्शन 489 ABCD, जो आपके करेंसी के काउंटर फीट के रिगार्डिंग है, तो वहां पे जो प्रीवियस ऑफेंडर है उनको अपना एड्रेस नोटिफाई करना होता है कि वो कहां रह रहे हैं, आजकल ये नोटिफाई करना होता है। तो अगर वो नोटिफाई नहीं करते स्टेट गवर्नमेंट को, तो उनको पकड़ लिया जाएगा, पुलिस ऑफिसर जाके उनको उठा लेगा। तो ये वाला पॉइंट इसी चीज पे बात कर रहा है। अगले पॉइंट पे आते हैं, फॉर हूज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन, चाहे रिटर्न में, रिक्विजिशन मतलब होता है रिक्वेस्ट, जिसके अरेस्ट के लिए रिक्वेस्ट आई है चाहे रिटर्न या ओरल में, फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, मतलब कि दूसरे पुलिस ऑफिसर, मान लीजिए आपको, आप एक जिला में पुलिस ऑफिसर है, आप एक SHO है और आपको दूसरे जगह का ऑफेंडर है, और इधर से एक पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करी कि साहब इसको अरेस्ट करवा दो, इसको पकड़ के लाओ जरा, तो उस केस में भी आप बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि ये तो सारे मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में बात किया, जहां पे वैसे भी पता है हमें कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर बिना वारंट के अरेस्ट हो सकता है। सवाल आता है कि क्या एक व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में अरेस्ट किया जा सकता है? अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल लेस सीरियस, लेस ग्रेवर, लेस हार्मफुल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज है, तो नॉन कॉग्निजेबल का तो मतलब ही होता है कि इट इज एन ऑफेंस इन विच द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट द वारंट। स्पेसिफिकली वर्ड मैंने क्या मेंशन किया, कैन नॉट अरेस्ट विदाउट द वारंट, तो यहां पे तो वारंट की रिक्वायरमेंट है। तो एक ऐसा केस है जहां पे बिना वारंट के आप इस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाले बंदे को भी अरेस्ट कर सकते हो, वो चीज आपकी मेंशन है सेक्शन 42 में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चीज बताऊंगा। सेक्शन 42 में सीधा सीधा ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है, आपका एड्रेस पूछा जाता है, आपसे कुछ सवाल किया जाता है और आप वो सवाल से एस्केप मारते हो, आप अपना नेम और रेसिडेंस देने से मना कर देते हो, आपने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया, पुलिस ऑफिसर आपसे पूछता है कि हाँ कहाँ रहते हो, बताओ नाम बताओ, नहीं बता रहा जी, कहाँ रहते हो, नहीं बता रहा, मुझे नहीं पता, और आप रिफ्यूज कर रहे बार बार, तो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है आपका नेम और रेसिडेंस असर्टेन करने के लिए। अदर देन दैट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट हुआ है और आप पुलिस ऑफिसर को इसकी कंप्लेंट या फिर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट अ वारंट। मतलब पुलिस ऑफिसर अगर उसको अरेस्ट करना चाहता है तो ही हैज टू प्रोक्योर द वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। एक बार वो वारंट लाए और उसके बाद उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करे जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया। नॉन कॉग्निजेबल इज नॉट दैट वेरी सीरियस एज कंपेयर टू कॉग्निजेबल, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पे मैंने आपको सेक्शन 41 कराया, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ बनाऊंगा उसमें मैं सेक्शन 41A, 41B, 41C, 41D कराऊंगा, जो कि आपकी CRPC की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 2010 की। और आपके साथ मैं DK बसु का जो एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और जोगिंदर कुमार की, ये दोनों जजमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो देखें, और नेक्स्ट कंटेंट जो आपका बनेगा वो 41 ABCD से बनेगा, जिसमें मैं 42, 43 भी कराऊंगा और दो जजमेंट्स भी आपके साथ डिस्कस करी जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि जजमेंट का मैं एक सेपरेट ही वीडियो बना दूं ताकि आपके लिए ज्यादा बेटर रहे कॉम्प्रीहेंड करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू वेरी मच।